हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज है डे फोर्थ जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चौथे दिन की चौथी चाय की रेसिपी, जो घर बैठे बैठे आपको वेट लूज करने में आपकी हेल्प करेगी, वो भी बिना एक्सरसाइज के, बिना जिम जाए, बिना कोई डाइटिंग के। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाय पीनी है और घर बैठे बैठे अपने वेट को लूज करना है। तो चलिए देखते हैं आज के चौथे दिन की चौथी चाय की रेसिपी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो तीन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वो भी चेक कर लेना, ताकि जिस चाय के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो चाय का टेस्ट आपको ज्यादा पसंद आ जाए, जो चाय बनाने में आपको ज्यादा इजी लगे, आप वो बना सकते हो, उसे अपने लाइफ का आप एक पार्ट बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस चाय की रेसिपी की तरफ। इसके लिए आपको लेना है एक चम्मच जीरा। जीरा आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, पेट कम करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको एक चम्मच जीरा लेना है और दो टुकड़े आपको लेने हैं दालचीनी के। दालचीनी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपकी बॉडी के अंदर हीटिंग पावर को बढ़ा देती है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को फास्ट करती है, जिससे आपको वेट लूज करने में हेल्प होती है। और एक टुकड़ा आपको लेना है अदरक का। अदरक आपको भूख नहीं लगने देता, जो बार बार आपको कुछ खाने की क्रेविंग होती है उसे ये कंट्रोल कर लेता है। दो पत्ते आपको लेने हैं तुलसी के। तुलसी इसमें एक अच्छा सा अरोमा दे देगी, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, आपको इसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगने लगेगा। तो अब आपने ये सारी चीजें लेनी है और बनाना है इस चाय को, जिसके लिए आपको लेना है डेढ़ कप पानी। डेढ़ कप पानी लेना है, इसमें आपको डालना है एक चम्मच जो आपने लिया है वो जीरे का, दो टुकड़े आपको डालने हैं दालचीनी के, एक टुकड़ा आपको कद्दूकस करके या फिर पीट के अच्छे से डालना है अदरक का, और साथ में आपको जैसे मैंने बताया दो पत्ते डालने हैं तुलसी के। अब आपको इसे अच्छे से लगाना है बॉईल, और बॉईल कब तक लगाना है आपको खुद पता है। अगर आपने पहले वीडियो देखी है, आप खुद इतने समझदार हो गए होंगे कि आपको डेढ़ कप पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक वो एक कप पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, ताकि जितनी भी आपने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं उसका अरोमा इसमें अच्छे से आ जाए, उसका फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, साथ ही साथ जो उसकी गुडनेस है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे से बॉईल करना है, और जो डेढ़ कप पानी था वो आपको एक कप कर लेना है, इतना अच्छे से आपको इसे पकाना है। अब आपने गैस की फ्लेम को कर देना है बंद, और अब इसे एक छलनी की हेल्प से आपको छान लेना है। छानने के बाद अब आपको इसमें डालना है आधे नींबू का जूस। नींबू आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी फास्ट करता है। नींबू वेट लूज करने के लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट मैं बोल सकती हूँ है हमारी लाइफ में, जो हमारे वेट को लूज करने में हमारी हेल्प करता है। तो आधा नींबू का आपको इसमें जूस डालना है और इसे छोड़ देना है करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि जब आप पहली बार पियोगे आपको जो इसमें दालचीनी है, जो इसमें आपने अदरक डाला है, उसका टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ गले में मिर्ची जैसा लग रहा है, हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा। अदरवाइज इतना ज्यादा टेस्ट बेकार नहीं होता है, बहुत अच्छा लगने लगता है जब आप इन्हें पीने लगते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है इन्हें पीना, क्योंकि पीने के बाद आप खुद एकदम लाइट सा फील करते हैं, एक्टिव सा फील करते हैं, तो आप इनमें ढल जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको इनका टेस्ट अजीब लगेगा। अब इसे हल्का सा ठंडा कर लेना, जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आए, सुबह में एकदम खाली पेट आपको सिप सिप करके इसे पीना है, आराम से बहुत इंजॉय करते हुए इसे पीना है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, आप सोचेंगे एक ही बार ठंडा करके मैं इसे गटक लेती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आते ही इसे सिप सिप करके आराम से अपने बेड पे बैठ के इंजॉय करना, और उसके बाद करना अपने घर के काम, जैसे अपना बिस्तर बनाना, अपना थोड़ा बहुत जो आपका रूटीन है, नाश्ता बनाना, किचन के काम, बहुत काम होते हैं हर उस लेडीज के पास जो घर में है ना, बहुत ज्यादा काम होते हैं। मतलब हाउसवाइफ की तो आप बात छोड़ ही दो, बाकी अगर कोई वर्किंग है ना, उन्हें भी किचन में काम होते हैं सुबह में, तो अपने वो आप काम करो। और आधे से पौने घंटे तक आप कुछ मत खाओ, बिल्कुल सोच लो अब मेरा फास्ट है, अब नहीं खा सकती। इस बीच में आपको पीना है 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी, और ये उन लोगों के लिए तो बेस्ट होने वाला है जिनका वेट 90 और 100 को भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ये एकदम इतना अच्छे से काम करेगा ना कि विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर ये आपको करीबन 5 से 7 किलो वजन कम करने में हेल्प करेगा। और ये सच में उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनका
वेट ओवर कंट्रोल हो चुका है। हम जैसों के लिए तो है ही अच्छा, जिनका थोड़ा वेट अभी लिमिट में है लेकिन उन्हें पीना है तो उनका वेट तो जल्दी कंट्रोल होगा ही होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेस्ट है, उन लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है जिनका वेट उनकी बॉडी को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 100 से भी ऊपर पहुंच चुका है, 90 से ऊपर पहुंच चुका है। तो आपके लिए तो ये मैं बोलूंगी कि मस्ट है, आपको तो ये पीनी ही पीनी है। तो अब आपने आराम से सिप सिप करके से एंजॉय कर लिया, आपने कामकाज कर लिए, उसके बाद आपने करना है नाश्ता। जो भी आप नाश्ता करते हैं, जो भी आप खाते हैं, अवॉइड क्या करना है आपको, पराठे, मैदा और पूड़ियाँ, ये सब अवॉइड करना है। बाकी आप पोहा खा सकते हो, आप ब्रेड खा सकते हो, मैं इस पे भी एक वीडियो डालूंगी कि आप नाश्ते में क्या क्या खा सकते हो। तो अब आपने आपने डाइटिंग नहीं करनी है, डरना मत कि इन्होंने बोला था डाइटिंग नहीं करनी है, डाइटिंग नहीं करनी है, लिमिट में रहना है हर चीज की, है ना। अब आपने सिप सिप करके से एंजॉय कर लिया, घर के कामकाज कर लिए, तब तक आधा पौना घंटा हो जाएगा। अब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, अपना लंच कर लो, और जब आप लंच खत्म करेंगे उसके बाद भी आप करीबन आधे घंटे तो पानी मत पीना, और उसके बाद आपको करना है गर्म पानी, एक गिलास गर्म पानी, एक कप गर्म पानी आपको कर लेना है, और आराम से सिप सिप करके उस टाइम पे उसे आपको पीना है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम डिनर टाइम पे। जब आपका डिनर खत्म होगा, कोशिश करें 8 बजे तक आप अपना खाना खत्म कर ले। 8 बजे तक आपका खाना खत्म हो गया, उसके आधे घंटे बाद जैसे ही आपका काम खत्म हो, किचन विचन का काम खत्म हो गया, अब आपको लग रहा है आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट मुझे खाना खाए, अब आपने फिर से चाय बनानी है और फिर से इसे आराम से सिप सिप करके एंजॉय करना है। ट्रस्ट करना, अगर इस रेमेडी को 15 दिन उन लोगों ने फॉलो कर लिया ना जिनका 100, जैसे मैंने बताया 100 को क्रॉस कर चुका है वेट, 90 को क्रॉस कर चुका है, उन लोगों पर भी 15 दिन में इसका सुपर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट है ना वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं, आपकी भूख को कंट्रोल कर देते हैं, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बढ़ा देते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है उसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं, आपका जो खाना आप खा रहे हैं उसे पचाने में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट होने वाला है। अगर आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा है आपके नियर बाय, तो उनके लिए वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प हो पाए। तो अब आपने अपने डिनर के बाद इसे पी लेना है और अब सो जाना है। रात में कुछ नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ प्यास लगे तो पानी पी लेना। अब अगले दिन सुबह उठना, सेम चाय बनाना, सेम रूटीन फॉलो करना, और ये रूटीन 15 दिन उस चाय के साथ करना जो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। ये चाय तो सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं अगर आप इसके साथ जा पाए ना तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। तो अगर आप इसके साथ जाए तो अच्छा है, बाकी 2-3 चाय ऑलरेडी और चैनल पर है उनके साथ जाएंगे तो भी अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इस रेमेडी को फॉलो करके देखना, इसका जैसा रिजल्ट आएगा कॉमेंट कर देना, और ये वीडियो आगे भी शेयर कर देना ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। तो अब मिलेंगे कल लास्ट डे की लास्ट चाय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।